नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद उनके बैंक अकाउंट से अचानक 15 करोड़ रुपए गायब हो जाने के बाद इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। इस बीच शक के घेरे में सुशांत की करीबी और गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती निशाने पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिजन पर बिहार में FIR दर्ज कराई है। इसके बाद से बिहार पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। के सिंह ने FIR में बताया कि सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। बिहार पुलिस की FIR में दर्ज इस तथ्य के आधार पर अब ED नए सिरे से कार्रवाई करने की तैयारी में है। न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार ED ने बिहार पुलिस को पत्र लिखकर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में दर्ज FIR की कॉपी मांगी है। ये मामला PMLA के तहत दर्ज किया जा सकता है। वहीं टाइम्स नाउ ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि ED सुशांत के बैंक अकाउंट से किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर हुए 15 करोड़ रुपए की जांच करेगी। इसके साथ ही ED सुशांत की दो कंपनियां विविड्रेज रियलिटी एक्स प्राइवेट और फ्रंट इंडिया फोर वर्ल्ड फाउंडेशन की भी जांच करेगी, जिसकी डायरेक्टर रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियां नवी मुंबई में एक घर के पते पर रजिस्टर्ड हैं, जिसका स्वामित्व रिया और शौविक के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के पास है। बता दें कि बिहार पुलिस ने सुशांत की बहन मीतू सिंह का स्टेटमेंट लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत की बहन मीतू ने बताया कि रिया ने सुशांत को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था। उसने भूत प्रेत की कहानी सुनाकर सुशांत से घर तक बदलवा लिया था। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस आज सुशांत का अकाउंट खंगालने बैंक जाएगी, साथ ही सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।